हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत मस्त और अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और जैसा कि हम लोग को पता है कि ACF का जो हमारा पेपर है वो पोस्टपोन भी हो चुका है, बट हमको अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। और इसी के साथ जैसा कि हम लोग फिजिक्स में देख रहे थे, तो जो हमारा टॉपिक हुआ था लास्ट वीडियो में, हमने देखा था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओम्स लॉ को लेके, उसके ग्राफ को लेके, उसके एक्सप्लेनेशन, और वहां से फाइनली क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। और एक्सपेक्टेड है कि ओम्स लॉ से आपका एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है? तो बात करते हैं हम लोग ओम्स लॉ, और धीरे धीरे हम लोग इसके थोड़े से डेप्थ में भी जाना जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड, अगेन बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, जो अभी आपका ACF का पेपर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ को लेके। तो देखिए, ओम्स क्या है, ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओम्स तो पहली बात साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा, जब इनका जो एक्सपेरिमेंट चला था, दैट इज द, यहां पे अगर आप बात करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए सपोज मेरे पास अगर कोई बॉडी है और दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर का है, मान लीजिए कि ये T1 टेम्परेचर है और ये हमारे पास T2 टेम्परेचर है, और यहाँ पे अगर मैं ये कंडीशन लू कि T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पर क्या होगा, इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ पर एक एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट होती है, और इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यू, हीट बोला जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो हो रहा है। और आप एक चीज और देखेंगे, क्या जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, दिस दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी के अंदर, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक उसी तरीके से ओम्स ने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या देखा कि बॉडी के अंदर कोई भी आपका जो कंडक्टर है, तो सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ छोटे छोटे वर्डिंग है जिसको लेके मैं ज्यादा फोकस करूंगा, यही चीज आपको ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज कर सकता है। क्या पहला चीज ये, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी इज डज नॉट चेंज, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी या ऑफ द जो भी आपकी बॉडी है, इफ द फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज। अब ध्यान से सुनिए कि फिजिकल कंडीशंस की बात क्या हो रही है। अगर आपसे कभी भी बात करता है क्या कि आपका फिजिकल कंडीशन क्या क्या चीजें हो सकती है, तो फिजिकल कंडीशन में आपके क्या क्या निकल कर आते हैं, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ द मटेरियल। अब नेचर ऑफ द मटेरियल का क्या मतलब है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप कॉपर मटेरियल उठाओगे तो उसका नेचर अलग है, स्टील का नेचर अलग है, एल्यूमिनियम का नेचर अलग है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फिजिकल कंडीशन का मतलब बॉडी का जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका नेचर ऑफ द मटेरियल है, ये आपका चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग कंडीशन पे बात करें तो लेंथ, ठीक है, सेकेंड हमारे पास लेंथ हम लोग समझ गए, जो उसका लेंथ लंबाई क्या है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हो सकता है आपका क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान रखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया या इसी को आप थिकनेस भी बोल सकते हो वायर के लिए, तो यहां पर हम लोग इस चीज को थिकनेस, मोटाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको हम लोग अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, और थिकनेस मतलब आपका मोटाई हो गया। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस होता क्या चीज है, देखिए अगर ये कोई वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो पोर्शन है दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियर है? कोई भी अगर आपका क्रॉस सेक्शन की बात करता है तो उस चीज को वहां से काटने के बाद उसका जो एरिया बनता है दैट एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे अगर देखिए हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपका क्या हीट फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पर पहली बात ये जो कंडीशन है, अभी ओम्स लॉ पे आ रहे हैं लेकिन ओम्स लॉ में ही हम लोग चल रहे हैं। क्या ओम्स लॉ का कंडीशन तब वैलिड है जब किसी भी बॉडी के अंदर ये फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर, मतलब वहां पर ये टेम्परेचर भी आपका क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो पहला चीज कि ये जो हमने पैरामीटर लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने फिजिकल कंडीशन, हमने ये चार तरीके के फिजिकल कंडीशन लिखे हुए हैं, और ये जो आपका फिजिकल कंडीशन है ये चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अगर इस केस पे बात करूं तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे पास जो चार कंडीशन है ये बिल्कुल भी आपका चेंज नहीं होना चाहिए, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज।
ठीक है, यही सब आपके ऑप्शन में फॉर्मेट करेगा, ध्यान रखिएगा। एक बार और बता दे रहा हूं, ये चार कौन कौन से है। पहला, नेचर ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, सबका अलग अलग नेचर है, और इस अलग अलग नेचर है तो वहां पर आपका पहला बात मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा लंबाई चेंज नहीं होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया या थिकनेस बोल लीजिए ये चेंज नहीं होगा, और बॉडी का जो टेम्परेचर है ये आपका चेंज नहीं होगा। अगर ये सब कंडीशंस आपके चेंज नहीं होते हैं तब ओन्स लॉ ने क्या कहा, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर, जैसे जैसे टेम्परेचर को डिफरेंस बढ़ा रहे थे ठीक उसी तरीके से बॉडी के अंदर क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफर बढ़ रहा था। तो उसी तरीके से ओन्स ने एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा, जैसे जैसे बॉडी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कहीं ना कहीं वोल्टेज हो गया आपका, तो जितना ज्यादा आप वोल्टेज डिफरेंस को बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा उसमें बॉडी के अंदर आपको करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। मतलब आप यहां पे बोल सकते हो क्या कि अगर इस केस में हम लोग बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम लोग बात करते हैं क्या, ठीक है ये हमने जो देखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो अब ओम्स लॉ ने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग चीजों को डिफाइन किया। किस तरीके से डिफाइन किया, ये जो हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो उसने क्या किया, डेट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या जाएगा, करंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। अब सुनिए, थोड़ा सा मुझको आपको मैथमेटिक्स को लेके कुछ बात करना है, क्योंकि अभी हम लोग क्या है इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए होता क्या है, कहीं भी अगर आपसे बोला जाए x प्रोपोर्शनल टू y, x प्रोपोर्शनल टू y का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर x बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बोलता है x प्रोपोर्शनल टू y, इसका ये मतलब है कि अगर आपका x बढ़ेगा तो x बढ़ने के साथ y भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी, अनुक्रमानुपाती जिसको बोलते, सॉरी समानुपाती बोला जाता है। अच्छा, दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर x बढ़ेगा तो y आपका क्या होगा, कम होगा। मतलब x और y यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया। दूसरा चीज देखिए, कहीं भी अगर हमसे ये बोला जाए क्या कि भैया x प्रोपोर्शनल टू y है और मुझे यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट, या मैं यहाँ को इसको मैं इक्वल साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास x है, तो कभी भी अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो वहां पर एक कांस्टेंट निकल कर आता है, तो कांस्टेंट के लिए हमने इक्वल कर दिया, और एक कांस्टेंट कोई भी टर्म्स हो सकता है, मान लीजिए कि यहां पर मैं k ले लेता हूं, या आप c भी ले सकते हो, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हो। ये कांस्टेंट कौन देगा, जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता है वही कांस्टेंट लेकर आएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, k into y, और यहाँ पे अगर मैं k को लेके बात करूं तो k आपको क्या शो कर रहा है, k इज द कांस्टेंट, जो आपको k है ये आपको क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट। उसी तरीके से इनवर्सली में भी है, ठीक है। फिलहाल हमको यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी के फेरे में चलना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी के लिए अभी तक ये जो मैंने बताया ये टोटली मैथमेटिक्स है, जो कि आपका अभी फिजिक्स के अंदर यूज होने वाला है, और ये चीज आपने डेली टू डे लाइफ में और प्रैक्टिकली लाइफ में आपने यूज किया होगा। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे, और नहीं पता है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम मैं यहाँ पर बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। अगर किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उस केस में क्या होगा, बॉडी के अंदर जो भी विभवांतर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, धारा के बराबर। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द डेल वी, ठीक है, ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द डेल वी, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको क्या दिख रहा है, करंट। क्लियर है यहां तक? तो चलिए अब मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूं, और आगे बढ़ाने के साथ यहां पर मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत है, तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीजों की कहानी, ठीक है। देखिए अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मुझे यहां पर समझ में आया जो मैंने v लिखा है, v ऑलरेडी आपका पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है, डेल v लिखने की जरूरत नहीं है, v ऑलरेडी आपका पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है। तो जब मैं यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा, देखिए v प्रोपोर्शनल टू i है, अब क्या है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, किसने हटाया, ओम्स ने।
तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएगा तो वहां पर कुछ कॉन्स्टेंट टर्म्स लेके आना पड़ेगा। तो ओम्स ने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक कॉन्स्टेंट लेके आया, दैट इज कॉल्ड आर, ठीक है, इन टू आई। और फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, वी इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। और ये जो हमारे पास लॉ है, दिस लॉ इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ये जो हमारे पास आया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको कहानी समझ में आ गई, ओम्स लॉ में आपको क्या मिलेगा, V इक्वल टू आई आर, जहां पर ये आपका वोल्टेज है और I क्या है, आपका करेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ निकल कर आया। अब सुनिए, अब अगर ये कांस्टेंट आया है तो इसका नाम भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा और ये चीज क्या है, ये इस चीज को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं आर को डिफाइन करना चाहता हूं तो आर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, आर, देखो पहला चीज जो मैंने आर लिखा हुआ है, इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है, ये आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो ये जो आपका रेसिस्टेंस है किसी भी बॉडी के लिए, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये जो आपका रेसिस्टेंस है ये आपका क्या है, कांस्टेंट। लेकिन ध्यान रखना, आपने ओम्स लॉ में पहले ही बता दिया है कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, मतलब अगर ये चार कंडीशन चेंज नहीं हो रहे हैं तब आपका आर चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चारों में से अगर आपने किसी को भी चेंज किया तो उस कंडीशन में आर फिर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग गलती करते हैं, आपसे V इक्वल टू आई आर कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये बहुत फेमस इक्वेशन है, दुनिया जानती है, ठीक है। आपको इसके अंदर घुसेगा और पूछेगा कि ये जो R है, R आपका किस पे डिपेंड करता है या किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, हम लोग अलग से बात करने वाले हैं। बट अभी हमको क्या है, फिलहाल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मूव करना है, ओम्स लॉ को पहले समझते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा आर है, आर इज द रेसिस्टेंस, और ये जो रेसिस्टेंस है ये क्या है, आपका एक कांस्टेंट पैरामीटर है। ये आर चेंज होगा अगर ये चारों में से कोई चेंज होगा तब, लेकिन ओम्स लॉ ने पहले ही कह दिया था कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई यहां पर जो आर है ये आर आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। अब सुनिए यहां पर, अब क्या है, ये आर को इसने नाम दिया रेसिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस का फिजिकली मीनिंग क्या है, और फिर इसके हम लोग ग्राफ के बारे में भी चलते हैं। ग्राफ को समझने से पहले ये आर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो देखिए यहां पर, अगर मान लीजिए मैं आर लिखना चाहता हूं तो आर इक्वल टू क्या लिखूंगा, आर इक्वल टू हो जाएगा क्या, वी बाई आई। ये जो आर है, इस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई। अब सुनिए यहां पर, ये R जो है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। और यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे वोल्टेज को लेके, तो यहां पर देखिए जो हमारा वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट, याद है वोल्ट, ठीक है। आपको यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट जो चार्ज होता है। अच्छा, आई क्या होता है आपका, आई इज द करेंट, करेंट क्या होता था, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी एम्पियर। तो यहां पर ये जो हमारा आर है, इस आर को डिफाइन करने के लिए आर की जो हम लोग यूनिट लेते हैं, यहां पर आर की जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ओम, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग क्या पढ़ते तो ओमेगा है, लेकिन ये यूनिट है किसकी, आर की। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, आर की यूनिट लिख रहे हैं ओम। क्लियर है यहां तक। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर मेरे पास वोल्टेज है तो उसको वोल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट है तो एम्पियर से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमारे पास रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओम से किया जाता है। क्लियर, और इस तरीके का साइन है इसका। अब सुनिए यहां पर, ये कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था क्या, कि ये जो हमारे पास रेसिस्टेंस है ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इसको समझिए एक बार, क्या कि अगर हमसे बोलता है क्या, 1 मिली ओम, ठीक है, 1 मिली ओम, तो 1 मिली ओम का मतलब आपको क्या क्या दिख जाएगा, सीधा इसको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ ओम, ठीक है। अब ये आप साइन बना लो या इस तरीके से लिख लो, उसी तरीके से होता है 1 माइक्रो ओम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 माइक्रो ओम को कैसा लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, यही साइन यूज होता है 1 माइक्रो ओम। तो 1 माइक्रो ओम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रो ओम मतलब हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ ओम, यही होगा। तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁶,
और यहाँ पर ओम है तो ये हमने लिख दिया कुछ इस तरीके से, क्लियर। मिलियम को लिखना है तो मिलियम को स्मॉल एम लिखते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मिलियम रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डेट इज इक्वल टू 1 × 10⁻³। अब माइक्रो ओम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ ओम। यहां तक आपको चीजें क्लियर है, ये तक जो हमने बात किया है। अब सुनिए, अब मैं क्या है इस ओम्स लॉ को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ के थ्रू चीजें किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओम्स लॉ, ठीक है। ये समझना जरूरी है इसके स्लोप को लेके कि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है और किस तरीके से चीजें होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स की तरफ मूव करना पड़ेगा, और यहां पर हम लोग बात करते हैं क्या किस तरीके से हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, समझिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं ग्राफ का आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट दे रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं कि केवल ओम्स लॉ में यूज हो रहा है, ये आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी यूज होगा। तो एक बार समझ लेते हैं कि ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई मुझसे बोले x प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि अगर हमारा x बढ़ेगा तो x बढ़ने के साथ y भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ये आपका क्या है, लीनियर प्रोपोर्शनल है। तो ये मान लीजिए ये तो हम लोग y एक्सिस लेते हैं और ये हम लोग x एक्सिस लेते हैं, तो यहाँ पे x बढ़ने के साथ y ग्राफ बढ़ेगा, तो ये ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से, क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए ये जो है, जैसे जैसे देखो x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, अगर x कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका y भी कम होगा। अब हमको क्या है, मान लीजिए कि हमको इसमें मान लीजिए स्लोप कैलकुलेट करना है, तो अगर हम लोग को स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मुझे मान लीजिए स्लोप कैलकुलेट करना है तो इस स्लोप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ये एक्स और ये वाई है, ये हमारे पास स्लोप। अब स्लोप किस तरीके से निकाला जाता है, देखिए स्लोप होता क्या चीज है, स्लोप होता है हॉरिजेंटल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना इंक्लिनेशन है, क्या बोला, हॉरिजेंटल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको कितना इंक्लिनेशन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। यहां पे मान लीजिए मैंने स्लोप लिया हुआ है थीटा, तो अगर हम लोग स्लोप को डिफाइन करेंगे तो स्लोप को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पर ये जो हमने लिखा हुआ है थीटा, यहां पर आप देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जैसा कि हम लोग इस केस में देख रहे हैं, यहां पर ये देखिए, यहां पर मान लीजिए मैंने एक लाइन खींच दिया ये वाला पोर्शन, ठीक है। बाकी अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है, याद है हमने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा, जो स्लोप है हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। तो यहां पर अगर आप टेन थीटा को डिफाइन करना चाहते हो तो टेन थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, अगर मैं इस डायग्राम में टेन थीटा को डिफाइन करूं तो टेन थीटा इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटा आधार, यही मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं लंब की बात कर रहा हूं तो देखिए ये आपका क्या वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है ना, ये अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या है, ये वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है, तो वाई एक्सिस का, तो इसको हम लोग लिख देते हैं सीधा सीधा डी वाई, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं डी एक्स। तो अगर मैं स्लोप को लेके बात करूं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए तो ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर लंब, तो ये आपको बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, याद आया, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स इसी को हम लोग और क्या लिख देते हैं, इसी को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास होता है स्लोप का कंसेप्ट, क्लियर है। अब सुनिए अगर कोई मुझसे बोल देता है क्या कि भैया मुझे ये बताओ डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, तो डी एक्स बाई डी वाई करोगे तो 1/10 थीटा होगा, ये क्या होगा आपका 1/10 थीटा, या इसको आप क्या लिख सकते हो 1/m, तो 1/10 थीटा है, इसको डायरेक्ट मैं लिखने के लिए यहां पर क्या लिख देता हूं 1/m, ठीक है। m क्या है आपका, जो स्लोप आपको डिफाइन करता है। तो यहां तक कंसेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है, ये टोटली अब मैंने मैथमेटिक्स बताया हुआ है। अब इसी चीज को मैं क्या है यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ में डिफाइन करूंगा, तो देखते हैं यहां पर कि चीजें किस तरीके से डिफाइन होगी यहां पर। तो इस कंडीशंस पे x और y के बीच का जैसा कि हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, तो यहां पर पहला चीज ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ध्यान रखिएगा जब ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया था तो यह हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में वोल्टेज लिया गया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में i लिया गया है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगेन
हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन है क्या v प्रोपोर्शनल टू i, डेफिनेटली तो x प्रोपोर्शनल टू y वाला रिलेशन दिख रहा है। तो यहां पर आपको ये जो ग्राफ मिलेगा, ये आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब बात है कि इसका स्लोप हमारे पास क्या डिफाइन होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज तो आप ये समझ लो क्या कि यहाँ पर अगर एंगल की बात करेगा तो ये एंगल हमारे पास थीटा बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या दिख सकता है, अगर मैं ये चेंजेस को देखूं, अगर मान लीजिए मैं ये वाला चेंजेस को देखता हूं तो ये चेंजेस मुझे क्या दिखेगा, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द डीवी, या आप डायरेक्ट वोल्टेज लिख सकते हो, तो इसको आपने वी लिख दिया। हॉरिजॉन्टल वाला जो चेंजेस है ये हमारे पास क्या दिखा, आई दिखा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस लंब बटा आधार, तो वी बाई आई। और यहां से अगर आप रिलेशन देखोगे तो वी बाई आई, वी बाई आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, वी बाई आई को हम लोग आर लिख सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, वी बाई आई, और वी बाई आई हमारा क्या है, यही तो स्लोप है। ये अगर मैं बात करूं स्लोप को लेकर तो यही तो हमारे पास, ये जो हमारे पास है दिस इज द स्लोप। तो स्लोप हमारे पास जो tan थीटा है दैट इज v बाई आई, और v बाई आई r i को हमने क्या लिखा है, r लिखा हुआ है। तो यहां पर आप बोल सकते हो क्या कि जो ओम्स लॉ है जो कि v और i के बीच का ग्राफ है, यहां पे अगर मैं स्लोप को लेके बात करूं तो ये स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको r। व्हाट इज r, दिस इज द रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो आपको R दिख रहा है, ये R आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्लोप जो होता है ओम्स लॉ का स्लोप क्या डिफाइन करता है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक तरीके से ट्विस्टिंग कैसा करेगा, यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो R डिफाइन कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है। और ध्यान रखना ये जो आपका एक्सिस है वी और आई वाला, यहाँ वर्टिकल एक्सिस में आई को शिफ्ट कर देगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वी को शिफ्ट कर देगा। तो इस केस में अगर मान लीजिए अगर आप स्लोप देखते हैं तो स्लोप आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर चीजें पलट गई है तो याद है, अगर स्लोप आपका चेंज हो गया वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ मिलेगा वो रेसिस्टेंस क्या मिलेगा, वन बाई आर मिलेगा। समझ में आया, ये जो आपका रेसिस्टेंस है आपको क्या मिलेगा, वन बाई आर। ये आपको क्या शो कर रहा है, वी और आई के बीच में आर रेसिस्टेंस को शो कर रहा है। और यहाँ पर जस्ट हमने देखिए यहाँ पर एक्सिस को अपोजिट किया हुआ है, और जब हम लोग एक्सिस को अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वन बाई आर। क्लियर है यहाँ तक, मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं वन बाई रेसिस्टेंस की कहानी। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, टोटली हमने मैथमेटिक्स से इसको लिंक किया हुआ है। ध्यान आपको क्या रखना है कि ये हमारे पास वी आई का ग्राफ बना हुआ है कि आई वर्सेस वी का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये चीज कई लोग क्या है ध्यान जाता नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आई वर्सेस वी, ठीक है। और यहां पर जो है दैट इज द वी वर्सेस आई, ध्यान रखना इस चीज को। कई लोग क्या है ग्राफ देखते हैं फिर उनको क्या है वन बाई आर ये ध्यान नहीं देते हैं, और ये आपका क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर है, तो हम लोग कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस को लेके बात कर रहे थे। तो अगर मुझे मान लीजिए कि रेसिस्टेंस को अगर डिफाइन करना हो, ठीक है, मान लीजिए कि मुझे रेसिस्टेंस को डिफाइन करना हो किस तरीके से, जैसा कि अभी हमने देखा यहां पर ये हमारे पास R है, R इक्वल टू हमको क्या दिखा है, यहां पर R इक्वल टू दिखा V बाई आई, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारा रेसिस्टेंस की यूनिट क्या ओम है, अगर मैं वन ओम को डिफाइन करना चाहता हूं तो किस तरीके से डिफाइन कर पाऊंगा, देखो वोल्टेज है, अगर मान लीजिए मैं इसको वन वोल्ट रख देता हूं, वोल्टेज जो है अगर मैं वोल्टेज को वन वोल्ट रख दूं और आई को जो है वन एम्पियर रख दूं तो ये हमको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू वन वोल्टेज बाई वन एम्पियर। अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, वन यूनिट मिलेगा। मतलब अगर मैं वन ओम को डिफाइन करना चाहूं तो होगा क्या, आप सुनिए, किसी भी वायर के अंदर कोई भी आपका मान लीजिए ये आपका वायर है, इस वायर के अंदर आपका मान लीजिए करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं वन ओम को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं, ये हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है तो किस तरीके से डिफाइन होगा, सुनिए। अगर किसी भी वायर में वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका क्या है, बी है। किसी भी वायर में वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जिसके कारण वन एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा ये आपका कितना होगा, वन ओम होगा। ध्यान रखिएगा क्या बोला मैं, किसी भी कंडक्टिंग वायर में, ठीक है, कंडक्टिंग आपको बता चुका हूं कंडक्टर के बारे में जिसमें आपका करंट फ्लो होता है, तो किसी भी
कंडक्टिंग वायर में 1 वोल्ट डिफरेंस के कारण 1 एम्पियर का अगर करंट फ्लो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ओम का रेसिस्टेंस बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे क्या कि उस वायर में 1 ओम का रेसिस्टेंस है। क्लियर है यहां तक? तो इस चीज को समझिएगा, ये चीज जो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये अभी तक हमने जो इस वीडियो में देखा हुआ है वो ओम्स लॉ की कहानी देखा है, ओम्स लॉ का हमने ग्राफ देख लिया है। अब यहां पर देखिए, जैसा जैसा ये वेरिएशन आता है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करें यहां पर, जैसे आर का I के साथ क्या रिलेशन है, आर का V के साथ क्या रिलेशन है, तो आइए एक बार इस चीज को समझ लेते हैं कि हमारे पास आई के साथ किस तरीके से रिलेशन दिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है क्या आई और वी का कैसा रिलेशन आपको दिख रहा है। तो पहला चीज रिलेशन वी आई और आर के बीच में देखेंगे, तो देखिए यहां पर सबसे पहला चीज हमको क्या दिखा, दैट इज वी प्रोपोर्शनल टू आई। इसका ये मतलब है क्या, ये जो हमने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका पहला मतलब हमको ये समझ में आ रहा है क्या कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर मैं वोल्टेज को, ठीक है, या वोल्टेज डिफरेंस को, वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस को 2 times कर दूं, डबल कर दूं, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो फ्लो होने वाली करंट है, ठीक है, करंट भी क्या हो जाएगा, करंट विल बी क्या हो जाएगा 2 times या डबल। क्लियर यहां तक? अच्छा, दूसरा कंडीशन, अगर मैं इसमें वोल्टेज को, अगर मैं इस कंडीशन में वोल्टेज को 1/2 times कर दूं, अगर मैं यहां पर वोल्टेज को 1/2 कर दूं, तो उस कंडीशन में जो मेरा करंट है वो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है ना यहां तक? ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन है, वोल्टेज डबल होगा तो आई भी डबल होगा, और अगर वोल्टेज 1/2 होगा तो आई भी 1/2 होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं ये वी और आई के बीच में था, सेकेंड हमारे पास हो सकता है क्या V एंड R के बीच में, ठीक है, V एंड R के बीच में, तो V और R के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन है, ठीक है, तो V इक्वल टू IR, तो यहां पर आपको क्वेश्चन क्या देगा, एट कॉन्स्टेंट करेंट, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट I और करेंट। तो देखो यहां पर हमारे पास जो रिलेशन है डेट इज V इक्वल टू IR है, आपको बोल रहा है I कॉन्स्टेंट है, तो अगर यहां पर I मेरा कॉन्स्टेंट हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, V प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि अगर मैं करंट को कांस्टेंट रखा हूं तो इस कंडीशन पे अगेन अगर मेरा वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज डबल होता है, ध्यान से देखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, वोल्टेज अगर डबल होगा तो रेसिस्टेंस विल बी डबल, ठीक है, जो आपका रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ये भी आपका डबल बनेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर ये वोल्टेज को 1/2 कर देते हैं, ठीक है, यहां पर अगर ये वोल्टेज को 1/2 करते हैं तो उस केस में आपका क्या होगा, जो रेसिस्टेंस है, ये जो हमारे पास रेसिस्टेंस है, दिस विल बी आल्सो 1/2, ओके। तो ये आपका V और R के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या I और R के बीच में रिलेशन, ठीक है, I एंड R, तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आई और आर के बीच का रिलेशन। तो आई और आर में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका बनेगा एट कांस्टेंट, किस पे, मान लीजिए वोल्टेज यहां पर कांस्टेंट कर दिया है, तो वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया है तो इस कंडीशन में आई और आर, सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन यही है, ठीक है, ध्यान रखना क्या है इसका। अगर प्रैक्टिकली मतलब समझो तो कुछ नहीं है, आपके घरों में जो सप्लाई आता है आपको पता होगा, या तो 1 single phase होगा या 3 phase होगा, मतलब या तो 220 वोल्ट होगा या 440 वोल्ट होगा। और जब वोल्टेज को हम लोग सप्लाई करते हैं तो आपके घरों में वोल्टेज तो फिक्स है ना, या तो 220 वोल्ट होगा या 440 वोल्ट होगा। तो वहां पे क्या है, आप ये देख रहे हो कि वहां पर कांस्टेंट जो है वोल्टेज को हमने फिक्स कर दिया है, ये जो हमारे पास वोल्टेज है इस वोल्टेज को हमने फिक्स कर दिया है। तो वोल्टेज को फिक्स करने के साथ आई और आर के बीच में क्या रिलेशन है, अब आपका क्या है, करंट वेरी करेगा, करंट कैसा वेरी करेगा, आर के अकॉर्डिंग। आप जितने भी घरों में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें सभी का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें करंट फ्लो का वेरिएशन आता है। और आपको उस केस में वोल्टेज आपको कैसा मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा, क्योंकि आप देखना आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लिखा रहता है इधर 220 वोल्ट और 440 वोल्ट और दोनों पे भी आपका वर्क हो जाए। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है,
लेकिन यहाँ पर क्या है आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आई आर इक्वल टू कांस्टेंट, आई आर इक्वल टू कांस्टेंट, तो आई और आर के बीच में क्या हो गया, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, जो आपका आई है ये आई क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, इस केस में अगर हम लोग बात करें आई और आर के केस में, कि अगर मेरा करंट जो है ठीक है, आई करंट अगर मैं डबल करता हूं ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इस केस में अगर करंट को मैं डबल कर दूं तो टू टाइम्स करूंगा तो इनवर्सली है ना, तो करंट आपका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये जो आपका है हाफ हो जाएगा क्या आर, क्लियर यहां तक। अच्छा करंट को अगर मैं हाफ करूं, तो अगर आई को मैं हाफ करता हूं तो उस केस में जो आपका रेसिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां से समझ लीजिए, और अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है तो मैं आपको यहां से भी करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से चीजें आपकी वेरी कर रही हैं। देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या मिलेगा, ये आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, देखो आई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख रहा हूं, आई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है। अभी मुझे क्या बोला है क्वेश्चन, अगर मेरा ये बोलता है, मान लो क्वेश्चन उठा लेते हैं, मान लीजिए यही वाला, अगर मेरा करंट डबल हो जाए एट कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज कांस्टेंट है ठीक है, तो अगर मेरा इफ करंट विल बी डबल ठीक है, अगर मेरा करंट डबल होगा तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, तो करंट डबल होने का मतलब क्या है, ये आपको देखो आई और आर है, तो आई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आई वन आर वन इक्वल टू आई टू आर टू, ऐसा लिखा जा सकता है बिल्कुल। तो मान लीजिए कि सपोज शुरू में जो आपका करंट आई वन था, जिसके रेस्पेक्ट में आपको रेसिस्टेंस आर वन मिला था, अब आपको बोल रहा है कि करंट जो आपका आई टू है, आई टू आपको कितना मिल जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आई टू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई वन कर दोगे, तो उस केस में आपको आर टू कितना मिलेगा, तो आई वन आर वन इनिशियल केस था, तो इसमें हमने लिख दिया आई वन आर वन इक्वल टू आई टू के जगह आप क्या रखोगे, ट्वाइस ऑफ आई वन, ये हमने रख दिया लो ट्वाइस ऑफ आई वन, और आर टू मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहां पर आप देखोगे तो आई वन कैंसिल हो गया, तो फाइनली मैं आर टू लिखूंगा, तो आर टू इक्वल टू क्या आ गया, आर वन बाई टू, मतलब जो करंट आपने डबल किया है तो जो पहला वाला रेसिस्टेंस है उसका हाफ हो गया है, और देखिए यहां पर हमने उसी चीज को तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, करंट अगर डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस आपका क्या आएगा, हाफ आएगा। तो आप यहां से भी चीजों को समझ सकते हो इस तरीके से सॉल्व करने का। बाकी इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, तीन चार क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और अभी तक आपने सीजी कॉम्पिटिशन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अभी ये जो फिजिक्स वाले वीडियो हैं और जो भी आपके फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर ये सब जो भी वानिकी जो आपके वीडियोस आ रही है, कंटिन्यू आपको अपडेट मिलता रहेगा, और जो भी चीजें आपकी चल रही है वो कंसिस्टेंसी चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।